अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या है सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत में। दोस्तों, कबूतरों को पावर में करने के लिए लाजम ताकत वाली चीज़ ये देखें, 8 रोटियाँ हैं। 8 रोटियों के बोरे बनाए हैं, ये देखें, हाथों से 2 घंटे लगा के तो हाथों से किए हैं। अभी इसमें एक और चीज़ शामिल करनी है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि और क्या चीज़ शामिल करनी है। कबूतरों को चिकनाई देनी है जिससे कबूतर थोड़ी ताकत में आएंगे। और देसी घी तो इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, ये है डालडा आयल। ये डालडा आयल ले के रोटी में डाल के और ये डाला बीच में, ये आपको मैं मिक्स करके भी दिखाता हूँ। ऐसे करके इसे मिक्स कर लें ताकि सारी रोटी मिक्स हो जाए। इसमें निकाल लेता हूँ तो बेहतर, इसमें मिक्स अच्छी तरह हो जाएंगे। जितना चिकनाव देंगे इतना बेहतर है, कबूतर ताकत में रहेगा और ख़ास तौर पे ब्रीडरों के लिए। बस फिर जब शौक करना है मेरे भाइयों तो फिर ये तरादत तो करना पड़ेगा ना। मैंने तो बनाए हैं तो मैंने बोला चलो दोस्तों के साथ भी साथ में शेयर करते हैं ताकि दोस्त भाई भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। कल इंशाल्लाह आपको ये जो अभी इस सीज़न का जो अभी हाल की घड़ी जो वायरस चल रहा है इसका भी आपको शो करवाऊंगा कि कैसे इस वायरस को कंट्रोल करना है और कौन कौन सी दवाएं। इतनी महंगी भी नहीं है, जो दवा भी नहीं डाल सकता ना वो शो नहीं कर सकता। ये बात एक याद रखें आप, जो बंदा दवा नहीं डाल सकता वो शो नहीं कर सकता कभी भी। बाकी मैं इनको मिक्स करके तो फिर आपको दिखाता हूँ। थोड़ा थोड़ा और डालता हूँ, बाहर भी आ जा। मेरे पास तो ये इनकी तादाद ज़्यादा है, 8-9 रोटियाँ हैं दोस्तों। इसलिए आपको बोलता हूँ कि शौक करना है मेरे भाई तो पूरे तरीके से करें, हर चीज़ का ख्याल रखें तभी मज़ा आएगा। ऐसे टोने डबाने वाला काम नहीं है। बोले देखिए आपने कितने अच्छे बारीक हुए में ताकि किसी कबूतर के गले में फंसे नहीं, ऐसे ताकि थोड़े थोड़े आयल वाला भी बीच में जाए। वैसे तो ये ताज़ी रोटी बना के तो उसमें डाल के उसको बिल्कुल प्रेस कर दें तो मिक्स हो जाता है, वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए माशाल्लाह, अभी इधर थोड़े रह गए, इधर भी आपको मिक्स करके दिखाता हूँ। काम तो मुश्किल कोई नहीं है मेरे भाई, जो भी काम है तरद्दुद वाला है, तरद्दुद तो करना पड़ेगा, तरद्दुद के बगैर तो कोई काम नहीं है। मेहनत हर काम में चाहिए। ब्रीडरों के लिए ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह ताकत में रहेगा कबूतर। जब ताकत में रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका बीमारियों से भी बचाव रहेगा। बाकी कबूतरों की तो मैं वीडियो लगाता रहता हूँ, दवा के भी इंशाल्लाह कल बना के लगाऊंगा दोस्तों। ये हमारी रोटी तैयार होगी, गीली नहीं डालनी रोटी, गीली रोटी डालने से कबूतरों को परेशानी होती है, ये बात एक याद रखें। ये हमारा मसाला, मज़ीद भी इसको ये समझे आटे की तरह गूंद देते हैं। जितनी आप गीली रोटी कभी भी नहीं डालेंगे कबूतरों को, जितनी गीली रोटी डालेंगे बाजी की वजह से इतनी बीमारियां आगे चलेंगी। ओके दोस्तों, जजाकल्ला, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कल इंशाल्लाह आपको
मेडिसिन की भी बताऊंगा, जो अभी सीज़न में जो मौसम कभी गर्म हो रहा है कभी ठंडा हो रहा है, इस मौसम में जो परिंदों के हाल चल रहे हैं उसकी भी आपको दवा बताऊंगा इंशाल्लाह, कल वीडियो लगेगी।